पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ संतोष चौबे एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस कड़ी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखिए, जो हम लोगों की पिछली क्लास रही उस क्लास में हम लोगों ने बातचीत की कि फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। 1857 आते आते तक कंपनी का भारत में लगभग 100 सालों का शासन हो चुका था। भारत के बड़े भाग पर ये शासन कर रहे थे एंड इन देयर रूल दे परपेट्रेटेड अनटोल्ड मिजरीज ऑन इंडियन पीपल, और उन्होंने भारत के लोगों पर अकथनीय रूप से जुल्म ढाए। परिणाम हुआ कि भारत की जनता विद्रोही हो गई एंड दैट रिवोल्ट इज कॉल्ड एज रिवोल्ट ऑफ 1857। और यह जो विद्रोह हुआ एक बड़े स्तर पर, इस विद्रोह को हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। अब देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज फार एज रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कंसर्न, बोथ साइडेड इनकर्ड लॉसेस, दोनों पक्षों को इसमें नुकसान हुआ, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हों या फिर भारत की जनता हो। एंड कॉन्सिक्वेंटली द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रूल इंडिया डायरेक्टली, और परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन की सरकार ने यह निर्णय कर लिया कि भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से चलाएगी। इस नई संवैधानिक व्यवस्था को लाने के लिए वे 1858 में एक नियम लेकर के आए, जिस नियम को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। देखो, हम लोगों की यह जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया कि इनफैक्ट दैट वॉज लेंथी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 75 आर्टिकल्स, बट इन स्पाइट ऑफ इट इट डिड नॉट हैव मच चेंज प्रोविजंस। यह जो 1858 का जो अधिनियम लाया गया, अधिनियम बड़ा था, 75 इसमें सेक्शन थे, लेकिन इसके बावजूद भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें पुरानी जो व्यवस्था थी उस पुरानी व्यवस्था से बहुत अधिक परिवर्तन किया गया। एक भारत सचिव लाया गया था, इंडियन काउंसिल लाई गई थी, लेकिन मिला जुला करके जैसी व्यवस्था चल रही थी आपको कंपनी के माध्यम से, कुछ ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पर देखने को हम लोग को मिली। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि चूंकि यह जल्दीबाजी में लाया गया अधिनियम था, इसलिए बहुत जल्द ब्रिटेन की संसद एक नया अधिनियम लेकर के आती भारत के लिए। और निश्चित रूप से 1861 यह वर्ष था जब कंपनी के सॉरी जब ब्रिटेन की सरकार एक नया अधिनियम लेकर के आती है, जिस अधिनियम को हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके क्या प्रावधान थे और उसमें क्या क्या बातें थी, क्या इसमें खूबियाँ थी, और साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि जो व्यवस्था इन्होंने बनाई उस व्यवस्था को किस प्रकार से इंप्लीमेंट या क्रियान्वित किया गया। तो यह जो आपका यह तो यह जो इंडियन काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, आइए देखिए हम लोग इसमें क्या नए प्रावधान किए गए, कौन से नए प्रोविजन किए गए। देखो, मैं आपको यहां पे बता दूं, सबसे पहले बात यह है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है भारतीय परिषद अधिनियम,
तो यह एक ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किया गया अधिनियम जरूर था, बट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ एडवाइस गिवेन बाय द इंडियन काउंसिल, जो भारतीय परिषद 1858 में क्रिएट की गई थी, उसी भारतीय परिषद के सुझाव पे, उसकी सलाह पर यह भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। तो यहाँ पे देखो काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की गई, और यह सबसे पहला जो चेंज था वो यह था कि जो भारत का वायसराय था और उसकी सहायता देने के लिए जो कार्यकारिणी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो कार्य पहला तो परिवर्तन जो है वह लाया गया कार्यकारिणी परिषद में। तो पहला चेंज हम लोग देखेंगे कि कार्यकारिणी परिषद में किस प्रकार की चेंज या किस प्रकार के परिवर्तन लाए गए। दूसरा जो चेंज है वह आपको विधायिका परिषद में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोग को चेंज देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे विधायिका परिषद में क्या क्या परिवर्तन किए गए। तीसरा, जो प्रांत थे तो प्रांतों की सरकारों या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनके संबंध में भी कुछ चेंजेस किए गए। जो वायसराय था भारत का, उस वायसराय की जो शक्ति है तो वायसराय की शक्ति में भी परिवर्तन किया गया। तो हम लोग यहाँ पर इतने पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे कार्यकारिणी परिषद में क्या चेंज आया, दूसरा देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चेंज आया, तीसरा देखते हैं कि प्रांतों की सरकारों में क्या क्या चेंज आया, और चौथा वायसराय की शक्ति में क्या परिवर्तन आया। तो आइए हम लोग इसको एक ही करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद में लाए गए परिवर्तन के बारे में। तो यह जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद है, तो जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें सबसे पहला नंबर एक में क्या किया, कार्यकारिणी परिषद में किया गया एक्सटेंशन, इसमें किया गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब हो गया यहां पर विस्तार, कार्यकारिणी परिषद में किया गया विस्तार। अब देखते हैं कैसे विस्तार किया गया। देखो आप लोगों को पता होगा, याद होगा कि कार्यकारिणी परिषद पहली बार हम लोगों को यहां पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से देखने को मिल रही है, जब बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ में एक बॉडी बनाई जाती है कार्यकारिणी परिषद, और उस कार्यकारिणी परिषद में रखे जाते हैं 4 सदस्य। लेकिन 1784 के अधिनियम के माध्यम से कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की शक्ति को थोड़ा कम करने के लिए और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए यह संख्या कर दी गई थी 3। फिर इसके बाद 1853 आया तो संख्या फिर से यहां पे 4 कर दी गई, और मैं बताना चाहूंगा कि 1861 का अधिनियम आया इसमें संख्या कर दी गई 5। तो यहां पर क्या हो गया कि कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। आपको याद रखना है कि 1773 में यह संख्या रखी गई थी 4, फिर 1784 में संख्या बदलकर 3 कर दी गई, 1853 में यह संख्या 4 हो गई, और 1861 में यह संख्या हो गई 5। तो विधायिका परिषद का किया गया विस्तार मतलब विधायिका परिषद के सदस्यों की संख्या जो है यहाँ पे 5 कर दी गई। दूसरी बात यह है कि अब यह जो पांचवा सदस्य था वह कौन था, तो यहाँ पर कहा गया कि जो पांचवा सदस्य होगा कार्यकारिणी परिषद में, तो 5th मेंबर जो होगा, जो नया जोड़ा जाएगा, वह होगा एक जूरिस्ट। जूरिस्ट मतलब क्या होता है, न्याय करने वाला अर्थात न्यायविद। तो यहाँ पर एक न्यायिक व्यक्ति न्यायविद की का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो कार्यकारिणी परिषद के लोग थे अभी तक ये लोग क्या करते थे, कलेक्टिवली काम करते थे, मतलब एक प्रकार से कॉलेजिएट गवर्नमेंट थी, कलेक्टिवली काम करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यह कहा गया कि अब इसको चेंज किया जाएगा और सबके मंत्रालय विभाग बांटे जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो यहाँ पर क्या लाया गया, यहाँ पे लाया गया पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विभागीय प्रणाली। यहाँ पर विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम का प्रावधान किया गया।
अब आप पूछोगे सर जी विभागीय प्रणाली का मतलब क्या है। देखो यार, जैसे कार्यकारिणी परिषद में जो 4 लोग पहले थे, तो 4 लोगों को एक ही साथ मिलकर के भारत, ब्रिटिश भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें उनको निर्णय लेने होते थे। दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कलेक्टिव, डिसीजंस वॉज कलेक्टिव एंड डिसीजंस वॉज बेस्ड मेड ऑन मेजोरिटी। जो निर्णय थे वो सामूहिक होते थे, उत्तरदायित्व भी सामूहिक था, और जाहिर सी बात है किसी भी गलती के लिए किसी एक व्यक्ति को वहां पर जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर समूह की बात थी। तो यहाँ पर देखो क्या किया गया, अब मैं बता रहा हूँ, 1859 में टेस्टिंग के रूप में लॉर्ड कैनिंग ने भारत विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आए थे। वह उनको सही लगा और उन्होंने जो आपके इंडियन काउंसिल है उसको उन्होंने सजेस्ट किया, और इंडियन काउंसिल ने सजेस्ट किया ब्रिटेन की संसद को। तो ब्रिटेन की संसद ने क्या किया, इसको उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया और नियम बना के लेके आ गए कि अब भारत में क्या रहेगा, अब यहाँ से विभागीय प्रणाली चलेगी। मैं बताना चाहूँगा देखो कि विभागीय प्रणाली भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कोई नई बात नहीं थी। आप देख सकते हो कि जैसे कि उदाहरण के लिए मौर्यों के काल में 18 तीर्थ होते थे, इसी तरीके से आप शिवाजी के काल में जो दिग्गज होते थे, तो इस प्रकार की चीजें जो है पहले भी थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में विभागीय प्रणाली की पहली शुरुआत है, विभागीय प्रणाली की पहली शुरुआत है। विभागीय प्रणाली बताने को यहाँ पर जो 5 लोग थे, जो 5 सदस्य थे, तो यहाँ पर एक को कहा गया कि आप रेवेन्यू या राजस्व का काम देखोगे, दूसरे को फाइनेंस या वित्त दे दिया गया, तीसरे को दिया गया लॉ या विधि, चौथे को दिया गया होम, और पांचवे को दिया गया मिलिट्री। इस प्रकार से विभागीय प्रणाली यहाँ पर लाई गई। तो आपने देखा कि कार्यकारिणी परिषद में चेंज हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, तो पहला हो गया विस्तार हो गया, विस्तार में सदस्यों की संख्या यहाँ पर 5 हो गई। दूसरा हो गया कि एक नए न्यायविद, यहाँ पर जो 5वां सदस्य जोड़ने की बात हो गई, वो कहा गया वो न्यायविद होगा, जुरिस्ट होगा। और तीसरी बात है कि पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली यहाँ पे लाई गई, मतलब कि जो यहाँ पे कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, जो आज के मंत्री परिषद से आप जिसकी तुलना कर सकते हो, इनके अलग अलग विभाग बांट दिए गए। और यह विभाग जो था, एक था रेवेन्यू राजस्व का विभाग, दूसरा फाइनेंस या वित्त का विभाग हो गया, तीसरा लॉ या विधि का हो गया, चौथा होम या गृह हो गया, और पांचवा हो गया मिलिट्री या फिर सेना। इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया यहाँ पर वह चेंज था आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधायिका परिषद में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधायिका परिषद में क्या यहाँ पे चेंज लाया गया, क्या यहाँ पे चेंज लाया गया। देखो यदि मैं आपको पहले बताऊं कि विधायिका परिषद का स्ट्रक्चर या संरचना क्या होगा, तो सबसे पहले तो यहां पर हो गया भारत का वाय सराय एवं गवर्नर जनरल। वाय सराय की सहायता करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है कार्यकारिणी परिषद या एक्सिक्यूटिव काउंसिल। और यह जो कार्यकारिणी परिषद एक्सिक्यूटिव काउंसिल है, यह जब कोई विधि बनाने लगते थे अतिरिक्त लोगों को जोड़ते थे, यहाँ पे अतिरिक्त या एडिशनल मेंबर्स जोड़े जाते थे, तो अतिरिक्त सदस्य यहाँ पर हो गए आपको एडिशनल मेंबर्स हो गए। तो यहाँ पर आपका हो गया आ गया एडिशनल मेंबर्स या अतिरिक्त सदस्य हो गए। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि आपको जैसा कि आपको जानकारी है कि पहली बार इस प्रकार की बॉडी कब लाई गई थी, तो 1853 के अधिनियम के माध्यम से, 1853 का जो एक्ट था इसके माध्यम से यह व्यवस्था पहली बार लाई गई थी। 1853 के माध्यम से व्यवस्था लाई गई विधायिका परिषद। तो यहाँ पर विधायिका परिषद में देखो कौन कौन हो गया, तो पहला वाय सराय, दूसरा कार्यकारिणी परिषद, और यहाँ पर सदस्य हो गए, ये सब मिलकर बनाते हैं विधायिका परिषद। अब देखो इसमें चेंज क्या लाया गया, तो आपको पता है कि 1853 में वायसराय और कार्यकारिणी परिषद के साथ जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो रखी गई थी, वह संख्या रखी गई थी 6, संख्या रखी गई थी 6। तो पहला चेंज देखो क्या आया कि यहाँ पर कहा गया कि सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होगी अतिरिक्त सदस्यों की, वह न्यूनतम 6 होगी और महत्तम संख्या हो सकती है यहाँ पे 12। तो यहाँ पर देखो विधायिका परिषद का पहली बात आप कह सकते हो एक तरह से विस्तार किया गया, एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर इसका किया गया विस्तार। तो विधायिका परिषद का हो गया आपका विस्तार।
पहला यह हो गया कि जो आपकी विधायिका परिषद है, जो विधायिका परिषद है, तो सबसे पहला यहां पर क्या हो गया कि विधायिका परिषद का यहां पर हो गया विस्तार, विस्तार या एक्सटेंशन हो गया। किस प्रकार से? क्योंकि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या यहां पर वृद्धि की गई, तो जो एडिशनल मेंबर है, अतिरिक्त सदस्य अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में यहां पर वृद्धि की गई। और यह वृद्धि कितनी की गई? तो कहा गया कि न्यूनतम यहां पर 6 लोग हो सकते हैं और महत्तम संख्या जो होगी वह होगी 12। तो यहां पर कहा गया कि मिनिमम 6 मेंबर एंड मैक्सिमम 12 मेंबर। अब यहां पर देखो जो 6 और 12 की बात है, तो मैं यहां पे आपको बताऊं कि अब यहां पर बात आ गई इनके नियुक्ति की कि इनका अपॉइंटमेंट या नियुक्ति कैसे किया जाएगा। तो आपको बताऊं कि 1853 का जो अधिनियम था उसमें नियुक्ति कैसे होती थी, तो नियुक्ति होता था आपको किसके माध्यम से, वाय मतलब उस समय 1853 में गवर्नर जनरल होगा, तो 1853 में था कि इनकी नियुक्ति करेंगे आपके गवर्नर जनरल। नियुक्ति कौन करेगा? तो गवर्नर जनरल इनकी नियुक्ति करेंगे, नियुक्ति करेंगे गवर्नर जनरल। अब ये लोग जो नियुक्त होंगे वो आएंगे कहां से? तो गवर्नर जनरल जिनको नियुक्त करता था वो होते थे सरकारी लोग या गवर्नमेंटल लोग, तो ये सरकारी लोग थे। अब यहां पे सवाल है कि 1861 का अधिनियम आया तो उसमें चेंज क्या किया गया? तो नियुक्ति में जो चेंज किया गया वो कहा गया कि नियुक्ति अभी भी करेंगे भारत के वायसराय गवर्नर जनरल, लेकिन इसमें दो प्रकार के लोग होंगे। पहला होगा, पहले लोग होंगे सरकारी या गवर्नमेंटल, और दूसरे लोग होंगे जनता से अर्थात गैर सरकारी। यह कहा गया कि दो प्रकार के लोग होंगे, सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और गैर सरकारी, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल। और जो गैर सरकार सदस्य होंगे, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि इस गैर सरकार सदस्यों के माध्यम से क्या किया गया, भारत की जनता को पहली बार ब्रिटेन, ब्रिटिश भारत के शासन संचालन में शामिल करने के लिए प्रकार से अवसर बनाए गए। और जब मैं बताना चाहता हूँ कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उसमें सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों को यह मशविरा दिया, सलाह दिया कि क्रांति कभी नहीं होती यदि आप भारतीयों के मन को टटोलते रहते। अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग होते जो आपके पास बैठ करके और भारत की जनता के बारे में आपको बताते कि उनकी क्या मांग है, वो क्या, किस बात से वो आपसे रुष्ट हैं, किस बात से उनको जो है धक्का पहुंचता है, तो इस प्रकार से ब्रिटेन की संसद ने इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि ठीक है भारतीयों, कुछ भारतीयों को भी यहाँ पर लिया जाए। और इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि जो नियुक्ति होगी गवर्नर जनरल के माध्यम से शुरू होगी, लेकिन दो प्रकार के लोग होंगे, सरकारी भी होंगे और गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी मतलब भारत की जनता को लिया जाना। और मैं बताऊं कि यहाँ पर पहली बार भारत की जनता को लिया भी गया, तीन लोगों को लिया गया। पहला तो बनारस के महाराज हैं, महाराज थे जिनका नाम था ईश्वरी नारायण सिंह। दूसरे लिए गए पटियाला के आपके महाराज, नाम था नरेंद्र प्रताप सिंह। और तीसरे लिए गए मध्य प्रदेश के में जो जो आपका मध्य प्रदेश में जो आपके व्यक्ति थे सर दिनकर राव, तो वहां पे सर दिनकर राव को लिया गया। तो यहाँ पर तीन लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया। तो यह विधायिका परिषद में, अब देखो और इसमें क्या आया, जो विधायिका परिषद थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको यह कहा गया कि वह संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके अधिकार में थोड़ी सी कमी की गई। और अधिकार में कमी इस प्रकार से की गई कि प्रांतों के जो गवर्नर हैं उनको पावर दे दिया गया कि अब वे अपनी कार्यकारिणी परिषद के साथ में नियम कानून बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रांतों में किस प्रकार का चेंज आया। तो जो प्रोविंसेस या प्रांत थे, तो प्रांतों के जो प्रांत थे उस समय ब्रिटिश भारत के पास कुल मिलाकर के 5 प्रांत हो चुके थे। और छठा प्रांत जो है आया आपका, पहला तो प्रांत था आपका बॉम्बे का प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी, तीसरा बंगाल का प्रांत, चौथा जो है वह था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, उत्तर पश्चिम प्रांत,
और पांचवा जो आया वो पंजाब प्रांत था। इसके बाद 1800 जब 61 का अधिनियम आ गया, उसके बाद आ गया सेंट्रल प्रोविंस। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रांत है तो प्रांतों के जो गवर्नर थे, मतलब उसके जो आपके गवर्नर थे उनकी कार्यकारिणी परिषद, तो ये कहा गया कि प्रांतों के इस गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के साथ में, अपनी कार्यकारिणी के साथ में क्या करेंगे, वे अपने क्षेत्र का कानून बना सकेंगे। मतलब स्थानीय स्तर पर स्थानीय कानून बनाने का इनको अधिकार दे दिया गया कि वो लोकल लेवल पर कानून बना सकते हैं। अब देखो, आपको जैसा कि याद होगा कि 1833 के अधिनियम में क्या हुआ था, तो 1833 के अधिनियम में हुआ यह था कि वहां पे प्रांतों के गवर्नरों से उनके अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार छीन लिए गए थे, और पूरा का पूरा कानून बनाने का अधिकार दिया गया था भारत के गवर्नर जनरल को उसकी कार्यकारिणी परिषद के साथ। तो चूंकि वहां पर कानून बनाने का एक केंद्र था, इसको केंद्रीकरण कहते हैं, तो 1833 में आपके विधि निर्माण क्षेत्र में लाया गया था केंद्रीयकरण या सेंट्रलाइजेशन, लाया गया था केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन। जब यह आ गया मामला 1861 में, तो यहां पर 1861 का मामला आ गया, तो यहां पर देखो क्या आ गया कि यहां पर व्यवस्था बदली गई। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को फिर से राइट दे दिया गया या कि वो अपना का क्षेत्र का जो है कानून बना सके, और आगे जो भी प्रांत आए उन प्रांतों में विधानमंडलों का इस प्रकार से निर्माण किया गया आगे कि वे क्या करेंगे, कानून बना सकेंगे। तो 1861 में लाया गया यहाँ पर विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेयर गिवेन पावर्स टू इनेक्ट लॉ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन, उन्हें अपने क्षेत्र में विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि विधि निर्माण के क्षेत्र में यहाँ पर विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया। अब मैं बताऊं कि यह जो अधिकार मिला, इस अधिकार के माध्यम से क्या किए गए, इस अधिकार के माध्यम से बहुत सारे चेंजेस आए, हम लोग अभी इसके आगे बात करते हैं। अब देखो नंबर 4, जो वायसराय है, जो भारत का वायसराय है, इस वायसराय की शक्ति में किया गया परिवर्तन, क्या क्या चेंज किया गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उसको अधिकार मिल गया कि वायसराय क्या करेगा, वायसराय नए प्रांतों का निर्माण कर सकेगा। तो उसको नए प्रांतों के निर्माण की शक्ति दे दी गई, नए प्रांतों के निर्माण की शक्ति दे दी गई। नए प्रांतों के निर्माण का मतलब क्या हो गया, मतलब यह हो गया कि वह नए प्रांत बना सकते हैं। और आपको बताना मैं चाहूंगा कि 1836 में इन्होंने बॉम्बे मद्रास और बंगाल करते पहला प्रांत बनाया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। फिर इसके बाद उन्होंने 1859 में पंजाब को एक प्रांत बना दिया, तो पंजाब प्रांत बन गया। फिर 1800 जब 61 आया, तो उन्होंने 1861 के अधिनियम की इसके बाद जो है उन्होंने सेंट्रल प्रोविंस बनाया, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बनाई गई। इसी प्रकार से 1912 में आपका बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके नया प्रांत बनाया गया। इसके बाद फिर 1935 जब आया, तो बिहार उड़ीसा को अलग अलग करके अलग प्रांत बना दिए गए, और जो आपका बॉम्बे है उससे सिंध को अलग काट करके एक नया प्रांत बनाया गया। तो कुल आपको बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के 1835 के आते आते तक जो 11 प्रांत बनाए गए, वह 11 के जो 11 प्रांत है वह प्रांत जो है इसी से आपके प्रभावित है। दूसरी बात है कि वायसराय को तो प्रांतों के निर्माण की शक्ति दे ही दी गई, दूसरी बात है कि उनको एक नया अधिकार दिया गया जिसका नाम है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस पारित करने का अधिकार। जैसे आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 के माध्यम से राज्य के राज्यपालों को कानून बनाने की शक्ति है कि अगर उनकी विधान उनका जो है विधायिका मतलब संसद और यहाँ पे राज्यों में के लिए उनका विधान राज्य विधानमंडल यदि सत्र में ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को अधिकार मिल जाता है कि वे वहां पर कानून बना सकेंगे। इसको हम लोग कहते हैं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस पारित करने का अधिकार दिया गया इसको वायसराय को कि अगर उनकी विधायिका परिषद सत्र में नहीं हो तो ऐसी स्थिति में भारत के वायसराय क्या करेंगे, वे यहाँ पर एक कानून बना लेंगे और उस कानून को अध्यादेश कहा जाएगा। इसकी अवधि रहेगी 6 मंथ या 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे यही सारे चेंजेस किए गए 1861 के अधिनियम के माध्यम से। आइए हम लोग एक बार इसको समअप करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड इन द हिस्ट बिकॉज द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 मेड इट नेसेसरी फॉर द इंग्लिश फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एनेक्ट न्यू लॉ। 1858 का जो अधिनियम लाया गया था वो जल्दीबाजी में लाया गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति ने यह आवश्यक बना दिया कि ब्रिटेन की सरकार भारत के लिए नई व्यवस्था लेकर के आए। जाहिर सी बात है कि इट वॉज नेचुरल दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट मस्ट कम विथ न्यू प्रोविजन्स एंड विथ कंसिडरेबल चेंजेस, और यह लाजमी था कि ब्रिटेन की संसद जो है वह नए प्रकार के कानून लेकर के जल्द आएगी और वह भी कुछ परिवर्तनों के साथ। तो आ गया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फॉलोविंग्स वेर द प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट, इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे, मैं स्पष्ट रूप से आपको पढ़ देता हूँ। सबसे पहला नंबर एक जो इसमें प्रावधान लाया गया वह यह लाया गया कि द एक्सिक्यूटिव काउंसिल विटनेस इट्स एक्सपेंशन, फिफ्थ मेंबर वाज एडेड एंड दैट मेंबर वाज अ जूरिस्ट। कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 4 से 5 कर दिया गया और जो पांचवा सदस्य जोड़ा गया वह एक न्यायविद था। नंबर टू, द मेंबर्स ऑफ द एक्सिक्यूटिव काउंसिल वेयर गिवन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो सिस्टम। जो कार्यकारिणी परिषद के लोग थे उनको अलग अलग विभाग दे दिए गए, जिसको हम लोग कहते हैं विभागीय प्रणाली। और यहाँ पे मैं बता दूँ, फिर से बार रिमाइंड करा दूँ कि 5 डिपार्टमेंट्स वेयर गिवन टू द 5 मेंबर्स ऑफ द एक्सिक्यूटिव काउंसिल। 5 विभाग आपको कार्यकारिणी परिषद के 5 लोग अलग अलग दिए गए। एक विभाग था आपका फाइनेंस, दूसरा था रेवेन्यू, तीसरा था लॉ, चौथा था मिलिट्री और 5वां था होम। नेक्स्ट कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो विटनेस्ड एक्सपेंशन। जो विधायिका परिषद थी उसका भी विस्तार किया गया। There used to be additional members and additional members were 6 by the Act of 1853। जो 1853 में विधायिका परिषद लाई गई थी उसमें अतिरिक्त सदस्य होते थे, सदस्यों की संख्या यहाँ पर रखी गई थी 6। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें प्रावधान किया गया कि सदस्यों की अब न्यूनतम संख्या रहेगी 6, महत्तम यह बढ़ा करके 12 की जाएगी। नेक्स्ट, द एडिशनल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर अपॉइंटेड बाई द वायसराय बट ऑल द मेंबर्स वेयर यूज टू बी ऑफिशियल। जो विधायिका परिषद के सदस्य थे वो विधायिका परिषद के सदस्यों को वायसराय से नियुक्ति मिलती थी, लेकिन ये सभी होते थे सरकारी लोग। 1861 के अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि अब 2 प्रकार के लोग होंगे, हालांकि उनकी नियुक्ति वायसराय के माध्यम से ही की जाएगी, लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के लोग होंगे, सरकारी भी होंगे और गैर सरकारी होंगे, मतलब जनता से भी कुछ लोगों को लिया जाएगा। एंड इन दैट वे फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ट्राइड टू इंक्लूड इंडियंस। उन्होंने पहली बार भारतीयों को यहाँ पर जोड़ने के लिए व्यवस्था की, भारतीयों को जोड़ने का यहाँ पर उन्होंने पहली बार प्रावधान किया, और इस तरीके से कहा जा सकता है कि सम पॉपुलर एलिमेंट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाई द एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा कुछ लोकप्रिय चीज़ों को यहाँ पर लाया गया। एंड 3 इंडियंस वेर इंडक्टेड, और 3 भारतीयों को जोड़ा भी गया। पहला बनारस के महाराजा थे, दूसरे थे आपको पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत की कि बाई दैट द वायसराय ऑफ इंडिया वाज एम्पावर्ड, द वायसराय ऑफ इंडिया वाज एम्पावर्ड टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस। जो भारत का वायसराय है उसको शक्ति दी गई कि वह नए प्रांतों का निर्माण कर सके, और जो वायसराय को यहाँ पे शक्ति मिली आगे उसी शक्ति का उपयोग करते हुए भारत में प्रांतों की संख्या जो पहले 3 थी, फिर उसके 1836 में 4 हो गई थी, फिर 1859 में 5 हो गई थी, तो 5 के बाद जो 11 हुए वह भारत के वायसराय के माध्यम से आवश्यकता के अनुरूप इसको जो क्रिएट किया गया। नेक्स्ट आपको बता दूं कि जो 1833 में प्रांतों के गवर्नरों को अपने क्षेत्र में स्थानीय कानून बनाने के अधिकार छीन लिए गए थे, उसको 1861 के अधिनियम के माध्यम से पुनः वापस कर दिया गया। जब कानून बनाने का एक केंद्र होता है उसको केंद्रीकरण कहते हैं, जब कानून बनाने के बहुत सारे केंद्र जाते हैं उसको भी केंद्रीकरण कहते हैं। 1833 में लॉ मेकिंग क्षेत्र में जो विधि निर्माण का क्षेत्र है उसमें लाया गया था केंद्रीकरण, 1861 के माध्यम से इसको भी केंद्रीकृत कर दिया गया। मतलब कि जो आपके गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस थे उन्हें अपने कार्यकारिणी परिषद के द्वारा स्थानीय स्तर पर विधि निर्माण करने की शक्ति दे दी गई। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू बाई दैट प्रोविजन सो मैनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज वेयर
क्रिएटेड इन प्रोविंसेस, और इसी के माध्यम से प्रांतों में बहुत सारी विधानसभाएं बनाई गई। सबसे पहले 1862 में आपको बंगाल की विधानसभा बनी, 1886 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा बनाई गई, उत्तर प्रदेश में कहलाता था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसके बाद आगे जो है 1897 में पंजाब की विधानसभा बनाई गई, और ऐसे धीरे धीरे करके प्रांतों में जो है विधानसभाओं के सृजन किए गए। साथ ही साथ जो भारत का वायसराय था उसको एक पावर दिया गया, उसको एक शक्ति दी गई कि जब विधायिका परिषद आज की सत्र में न हो और ऐसी स्थिति में यदि कानून बनाने की जरूरत पड़े तो आप कानून बना लो, और यदि आप इसको 6 माह के अंदर पास करवा लोगे तो ये आगे कानून बन जाएगा, और नहीं करा पाओगे तो 6 माह तक इसकी अवधि रहेगी, अर्थात जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया उसकी अवधि को यहाँ पर उसका जो उसका उसके उसका जो उसकी जो मियाद रखी गई वो 6 माह की रखी गई। और निश्चित रूप से देखिए, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, व्यवस्थाएं जो है कभी पूर्ण नहीं होती, और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो चेंज किए गए, मैं कहना चाहता हूँ इतने बड़े भारत के लिए जो चेंज किया गया वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर था। और इसीलिए फिर 1892 में उन्हें नया अधिनियम लेकर आना पड़ा, तो हम लोग उसके बारे में कल की क्लास में बात करेंगे। आज जो है हम लोग यहीं तक, और आइए अपने अच्छा हाँ एक मिनट, एक बच्चे का प्रश्न है, बड़ी दिन से बच्चा परेशान भी है और मेरे याद से निकल जाता है। उस बच्चे ने पूछा है, सरेश कुमार जी हैं, सरेश कुमार जी का पूछना यह है कि सर थोड़ा सा इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बता दो। देखो बेटा, इंटरिम का मतलब क्या होता है, अंतरिम मतलब काम चलाने के लिए। जैसे अगर भारत में कुछ चुनाव होना होता है तो चुनाव के ठीक पहले, चूंकि हमें पता नहीं होता कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, तो बजट का अगर टाइम होता है तो क्या होता है कि सरकार 1-2 महीने के लिए काम चलाने के लिए बजट बना के लेके आ जाती है। इसी प्रकार से जब 1945 में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, एंड इंग्लिश वेयर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे कुड नॉट रूल इंडिया फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड, वे दूर दराज से भारत का शासन चला नहीं सकते, और यही कारण है कि उन्होंने भारत की संवैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए और कैसे भारत को छोड़ के उन्हें आना है उसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा था। तो कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान बनाने के लिए एक बॉडी के बारे में बातचीत की, जिस बॉडी का हम लोग संविधान निर्मात सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। यह संविधान निर्मात सभा में 389 लोगों का प्रावधान किया गया, और ये कहा गया कि 296 जो है चुनाव जीत करके आएंगे और बाकी 93 जो है वो देशी राज्यों के द्वारा या तो नामांकित किए जाएंगे या वो निर्वाचित होंगे। अब 296 का जो चुनाव हुआ, इस 296 के चुनाव में कांग्रेस जो है वो 208 सीटें पाई, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, अन्य दलों को 15 मिला, और इस प्रकार से क्या हुआ, एक सरकार बनाने की बात हो गई कि यह संविधान बनाया जाएगा। तो संविधान बनाने कहा गया कि सरकार बनेगी, और जो कार्यकारिणी परिषद अभी मैंने यहां बताया काम कर रही थी, कहा कि इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो 24 अगस्त 1946 को कार्यकारिणी परिषद को ब्रिटेन की सरकार ने डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद जब 25 अगस्त आया तो 25 अगस्त 1946 को 12 मंत्रियों के नाम जो है घोषित किए गए कि इनको बनाए जाएंगे भारत में मंत्री। ये सारे के सारे लोग इंडियंस थे, और ये कहा गया कि नेहरू जी जो है इसके अध्यक्षता करेंगे, उनको वाइस प्रेसिडेंट की उपाधि दी गई। इसके बाद मुस्लिम लीग जो है उसे मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी कहा गया को भी रहेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग बड़ा नाकानी कर रही थी, बड़ा समय बीता चला जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि 2 सितंबर 1946 को बिना मुस्लिम लीग के ही 12 सदस्यों को यहाँ पर क्या किया गया, उनको करा दिया गया, शपथ ग्रहण करा दिया गया। ये सरकार जो है अंतरिम सरकार कहलाई। तो इसके बाद क्या हुआ कि विमान मनोबल चलता रहा, और अंत में मुस्लिम लीग जो है मांग गई, तो 26 अक्टूबर 1947 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई। और जब मुस्लिम लीग शामिल हो गई तो यहाँ पर जो लोग थे उसमें से 3 कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफा दे दिया, और वहां पर मुस्लिम लीग के 5 लोगों को जोड़ लिया गया। तो कुल संख्या जो हो गई 12 5 17 -3 = 14। तो विधायिका जो यह अंतरिम सरकार थी इसमें 14 सदस्य थे, सभी भारतीय लोग थे, और एक प्रकार से अंग्रेजों ने यह कह दिया कि हम सत्ता का ट्रांसफर करेंगे। उसके पहले उन्होंने एक काम चलाओ सरकार बनाई थी जिसमें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था सबसे हेड, और उसके बाद गृह मंत्रालय दिया गया था आपको सरदार पटेल जी को, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को दिया गया। इस प्रकार से विभाग बांटे गए थे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये आपका आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा। एक बार मेरे साथ नेत्रों को बंद करें और भगवान को हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। हरिओम। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्। ॐ शान्ति।